अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं ईद उल अज़हा के बारे में कि दुबई में यूएई में कब ईद उल अज़हा की जो है कि नमाज अदा की जाएगी, किस डेट को, और इंडिया में कब अदा की जाएगी, और अरफात का दिन कौन सी तारीख में आएगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि फ़्लाइट जो है 15 और 16 जुलाई को जो ओपन होने वाली है, जिसकी रीबुकिंग चालू है, क्या वो चालू होगी या फिर नहीं होगी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरी वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ओमान का जो मून कमेटी है यानी चांद कमेटी है, तो उसने जो है कि सैटरडे यानी कल शनिचर के दिन 10 जुलाई को जो है कि जुल हिज्जा का चांद जो है कि उसने कंफर्म कर दिया है कि जुल हिज्जा का चांद नज़र आ गया है, और आज 11 जुलाई को 1 जुल हिज है। तो कहने का मतलब ये है कि यूएई में और बाकी गल्फ कंट्रीज में, कतर ओमान में, वहाँ पे जो है कि 20 जुलाई 2021 को ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। उस ईद उल बकरीद जो बोलते हैं, बकरीद का दिन 20 जुलाई को होगा, और 19 जुलाई को अराफात डे होगा। और इंडिया में जो है कि 21 जुलाई 2021 को बकरीद होगा, बकरीद की नमाज अदा की जाएगी, और 20 जुलाई 2021 को अराफात डे तो वहीं पे होगा, इसमें मक्का में, तो इंडिया में अराफात डे तो नहीं होगा। 21 जुलाई और जो है कि 2021 को ईद की नमाज अदा की जाएगी। अब बात करते हैं फ़्लाइट को लेकर के, 15 और 16 को जो फ़्लाइट ओपन होने वाली है, तो ख़बर निकल के ये आ रही है कि 15 और 16 का जो फ़्लाइट ओपन होने वाली है और जिसकी रीबुकिंग चालू है, इसको लेकर के कोई अभी तक कन्फर्मेशन अपडेट नहीं है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, या फ़्लाइट चालू हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो इसमें कशमकश है, लोग शक में हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि ईद के बाद ही कुछ इसका अपडेट आ सकती है कि फ़्लाइट कब तक चालू होगी कंफर्मेशन के साथ, यानी कंफर्म न्यूज़ के साथ ईद कटने के बाद, बकरीद कटने के बाद ही कोई अपडेट आ सकती है। फ़िलहाल अभी तक कोई ऑफिशियल और कंफर्म अपडेट नहीं है यूएई और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से।